क्या आपको लगता है कि आप बाघों के बारे में सब कुछ जानते हैं? फिर से विचार करना। इस वीडियो में हम इन प्राणियों के बारे में दिलचस्प तथ्यों पर एक नजर डालेंगे। क्या आप जानते हैं कि बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं? वे 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 675 पाउंड तक हो सकता है। वे एपेक्स प्रेडेटर्स भी हैं, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। बाघ रूस, एशिया में भारत से लेकर इंडोनेशिया तक पाए जाते हैं। लेकिन बाघों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आवास की हानि, अवैध शिकार और मनुष्यों के साथ संघर्ष इन अद्भुत प्राणियों को खतरे में डाल रहे हैं। वास्तव में अब जंगल में केवल अनुमानित 5000 बाघ बचे हैं। इसीलिए बाघों के बारे में अधिक जानना और उनकी मदद करने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे आप बाघों की मदद कर सकते हैं, जिसमें संरक्षण संगठनों का समर्थन करना और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करना शामिल है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी हमारी तरह प्रकृति के चमत्कारों से मोहित हैं, तो वन्य जीवों के बारे में अधिक दिलचस्प रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं। वे 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 675 पाउंड तक हो सकता है। वे अपने पर्यावरण के एपेक्स प्रेडेटर्स हैं और उनके शिकार में हिरण, जंगली सुअर, भैंस और यहां तक कि अन्य बड़ी बिल्लियां भी शामिल हैं। बाघ अकेले रहने वाले जानवर हैं। मादा बाघ 2 से 4 शावकों को जन्म देती है और शावक 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं। बाघ की सबसे बड़ी प्रजाति साइबेरियाई बाघ है। क्या आप जानते हैं, बाघ की सबसे बड़ी प्रजाति साइबेरियन बाघ है, जो 13 फीट तक लंबा और 675 पाउंड तक वजन कर सकता है। बाघ की सबसे छोटी प्रजाति सुमात्रान बाघ है, जो 9 फीट तक लंबा और 310 पाउंड तक वजन कर सकता है। बाघों के पास काली धारियों वाला एक विशिष्ट नारंगी कोट होता है। उंगलियों के निशान की तरह धारियां प्रत्येक बाघ के लिए अद्वितीय होती है और उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में खुद को छिपाने में मदद करती है। बाघ पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे शिकार जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाघ एशिया में भारत से लेकर इंडोनेशिया तक पाए जाते हैं। वर्तमान में जंगल में केवल 5000 बाघ बचे हैं। बाघ एक लुप्तप्राय प्रजाति है और निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मनुष्यों के साथ संघर्ष के कारण कई वर्षों से उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। पहले बाघ पूरे एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब उनका दायरा सिमटकर कुछ ही शेष क्षेत्रों तक रह गया है। बाघों की सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है, जहां जंगलों में अनुमानतः 3682 बाघ बचे हैं। बाघों की महत्वपूर्ण आबादी वाले अन्य देशों में रूस, नेपाल और भूटान शामिल है। वर्तमान में बाघों की 9 उपप्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से 3 पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। शेष 6 उपप्रजातियां लुप्तप्राय हैं और उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। बाघों को जीवित रहने के लिए वन भूमि के बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है और उनका निवास स्थान वनों की कटाई और विकास जैसी मानवीय गतिविधियों से नष्ट हो रहा है। बाघों का शिकार उनके फर, हड्डियों और शरीर के अन्य हिस्सों के लिए किया जाता है,
जिनका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किया जाता है। बाघ कभी कभी पशुओं का शिकार कर लेते हैं, जिससे मनुष्यों के साथ संघर्ष हो सकता है। बाघों को बचाने के लिए कई संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, जिनमें शामिल है बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाना, अवैध शिकार को कम करना, लोगों को बाघों और उनके महत्व के बारे में शिक्षित करना। यदि ये प्रयास सफल रहे तो बाघों को विलुप्त होने से रोकना संभव हो सकता है। हालांकि समय समाप्त हो रहा है और हमें इन अद्भुत प्राणियों को बचाने के लिए अभी कार्य करने की आवश्यकता है। बाघ एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। उनके शिकार में हिरण, जंगली सुअर और यहाँ तक कि भैंस भी शामिल हैं। क्या आप जानते हैं, बाघ सर्वोच्च शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। इसका मतलब यह है कि उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और वे एकमात्र जानवर है जो अन्य बड़े स्तनधारियों का शिकार कर सकते हैं। बाघ अकेले शिकारी होते हैं और वे आमतौर पर अपने शिकार पर पीछे से घात लगाते हैं। वे बहुत मजबूत और शक्तिशाली भी हैं और वे अपने शिकार को एक ही बार में आसानी से मार सकते हैं। बाघों का शिकार उनकी प्रजाति और उस वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें वे रहते हैं। हालांकि कुछ सामान्य शिकार में हिरण, जंगली सुअर, भैंस और यहाँ तक कि अन्य बड़ी बिल्लियां भी शामिल हैं। बाघ छोटे जानवरों जैसे खरगोश, कृंतक और पक्षियों को खाने के लिए भी जाने जाते हैं। बाघ पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाघों के बिना इन जानवरों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी, जिससे अतिचारण और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बाघ उत्कृष्ट तैराक होते हैं और मछली भी पकड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कई अनुकूलन हैं जो उन्हें तैराकी के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जैसे कि लंबा मांसल शरीर, जाल वाले पंजे और फर का एक मोटा कोट जो उन्हें पानी में गर्म रखने में मदद करता है। बाघ अक्सर पानी के पास पाए जाते हैं और वे अक्सर मछली और मगरमच्छ जैसे शिकार को पकड़ने के लिए तैरते हैं। वे नदियों को तैरकर पार करने के लिए भी जाने जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा तथ्य इंटरेस्टिंग लगा, या फिर बाघों के बारे में कहने के लिए आपके पास कुछ है तो हमें कमेंट्स में बताएं। बाघों की दुनिया की इस रोमांचकारी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, और हमेशा की तरह बेझिझक इस विस्मयकारी यात्रा को अपने दोस्तों और साथी प्रकृति प्रेमियों के साथ साझा करें। आइए मिलकर प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करना जारी रखें और हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और विविधता को अपनाएं। ऐसी दिलचस्प चीजों के बारे में और भी जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, जंगली बने रहें और प्रकृति के चमत्कारों को हम सभी को प्रेरित करते रहने दें।